हेलो फ्रेंड, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बर्थडे बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, बिल्कुल वही चीज़ सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कोरल ड्रा में, अगर आप बिगिनर हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको आता है तो बस थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा, उससे हो सकता है कि आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत बनने लगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप वीडियो पूरा देखते हैं या जितने में आपका काम हो जाता है उतना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो साइज है 2x3 यानी 3x2 का, तो ये बर्थडे का बैनर है डिजाइन करना। तो उसके लिए मैंने, आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्री पिक की एक डिजाइन है, और ये वाला देखेंगे ये भी फ्री पिक की डिजाइन है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको डिजाइन करना है, और वहाँ पे जो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको रख सकते हैं सिर्फ आइडिया लेने के लिए। आप देख सकते हैं इससे मिलता जुलता मैंने बनाया है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे रखा है, सिर्फ इससे आइडिया लिया है। बाकी आइडिया लेके आप खुद अपना डिजाइन करिए तो वो डिजाइन पे कॉपीराइट भी नहीं आएगा। सबसे पहले आप साइज लेंगे, और साइज जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है आप इंच में लेंगे। 3x2 फिट का आपको बैनर बनाना है, तो आप फिट में साइज नहीं लेंगे क्योंकि फाइल बहुत हैवी हो जाएगी। 3x2 इंच में लेंगे, फिर बाद में जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फिट में किया जाएगा। आइडिया लेने के लिए यहाँ पे हमने इसको लिया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। इसको साइड में ही कर देते हैं यहाँ पे। साइज हमारा सही है 3x2। यहाँ पे आएंगे हम रेक्टेंगल टूल पे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से जो हमारा पेज का साइज है उस पूरे साइज में ये एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स बनने में, यहाँ पे पीछे इन्होंने दूसरा कलर डाला है और बीच में दूसरा कलर, तो आप यहाँ पे कुछ भी पहले फिल कर सकते हैं, जैसे हम ब्लैक फिल कर देते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे आप। एक चीज़ देखिए, इस पर क्लिक करके और शिफ्ट के साथ एक कॉर्नर से पकड़ के बीच में ऐसे खींचेंगे दूसरा लेने के लिए, तो आप देखिए एक साइड ऊपर का जो साइड है वो पतला है, और जो दायां और बायां साइड है वो ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। इसको किस तरीके से आप सही करेंगे, यहाँ पे आएंगे कॉन्टूर टूल पे, और कहीं से भी पकड़ के आप अंदर की जानिब जितना आपको चाहिए छोड़ देंगे। पिक टूल पे आएंगे, तीर वाले पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ब्रेक कर देंगे। कंट्रोल के से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको आपको जो कलर देना है वो कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू का कलर दिया गया है, तो इसमें हम ब्लू कलर देंगे। अपने कीबोर्ड से आप जी प्रेस करेंगे और बीच से इस कोने पे लाके छोड़ देंगे। ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले हिस्से को आप बीच में लाएंगे। यहाँ पे ये वाला कलर कर दीजिए और इस साइड आप ब्लू वाला कलर कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर बिल्कुल यही सेम कलर चाहिए तो आप यहाँ से पिक करके जो कलर चाहिए आपको वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब पिक किया हुआ है। इसका आउटलाइन आप यहाँ से हटा देंगे, ये आपका बैकग्राउंड कलर तैयार हो गया। अब जो पीछे वाला है उसको भी अगर आप चाहें तो ऐसा ही बना सकते हैं। जी प्रेस करिए और इस कोने से लाके यहाँ पे बीच में छोड़ दीजिए। इस वाले को आप यहाँ पे ये ले लीजिए, और ये वाला जो कलर है ये ले लीजिए, इसको बिल्कुल खींच के यहाँ पे कर दीजिए। आप देखेंगे हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये यहीं से है, हमने इसमें इस कोने से इस कोने तक डाला है जैसा कि इन्होंने डाला है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से तीर मार के भी कर सकते हैं, और ये ऐसे है तो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से हम चेंज करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने लगाया है झंडे टाइप का, तो यही चीज़ है, ये पीएनजी इमेज है, हमने इसको गूगल से डाउनलोड किया है।
लेकिन इसमें साइड में बैलून है और इधर गिफ्ट है, सिर्फ हमको ये वाला हिस्सा चाहिए। तो आप पहले इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, कहीं दूसरी जगह ला के राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इस दो बन जाएगा। अब यहाँ पे सेव टूल पे आएंगे और इन दोनों नोट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही इधर से यहाँ तक, नीचे में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बच रहा है, इसको भी आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे लाएंगे। आप देखेंगे ये हमारा बन चुका। इसको फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इधर ला के राइट क्लिक कर देंगे। अब इसको ला के हम इस साइड यहाँ पे छोड़ेंगे। अब बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने इससे आइडिया लिया, आप देख सकते हैं इससे, लेकिन इसके किनारे किनारे भी गुब्बारा बना हुआ है, मैंने वो नहीं बनाया लेकिन सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा ये 3D लुक दिख रहा है तो बहुत ही ये भी आसान है। आप यहाँ पे आएंगे, जो इलिप्स टूल है गोला वाला, इसको लेंगे और एक गोला यहाँ पे आप बना लेंगे। गोला आप जो भी बनाएंगे चारों तरफ से स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे हम 1x1 कर लेते हैं। ये हमने 1x1 का गोला तैयार कर लिया। अब इसको यहीं पे अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। अपने कंप्यूटर से फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करिए और ऊपर से नीचे यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। ये वाला जो हिस्सा है इसमें आप कोई हल्का सा ब्लैक फिल करिए, 20%, ठीक 20% ब्लैक हमने इसको फिल कर दिया। इसका आउटलाइन थोड़ा सा और मोटा कर देंगे, 1 पॉइंट कर देंगे। अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे तो इसका जो आउटलाइन है वो आउटलाइन नहीं रहेगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने इसका आउटलाइन सेलेक्ट किया है, इसमें यहाँ पे मैं रेड कलर भरूंगा। आप देखेंगे रेड कलर भरा गया। तो इसमें हमको रेड कलर नहीं भरना है बल्कि ये जो बीच में हमने कलर फिल किया है यही कलर इसमें फिल करना है। तो इस पर बीच वाले पर राइट क्लिक करेंगे और इसे राइट क्लिक किए रहेंगे, खींचते हुए ला के यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये पूछेगा कि क्या करना है आपको। कॉपी फिल हेयर, इस पर क्लिक कर देंगे, यानी वही रंग हमको इसमें भर देना है। अब देखिए हमने वही कलर इसमें भर दिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर डार्क कलर है और नीचे वाइट है बिल्कुल वही है। तो इस कलर को हमको थोड़ा सा चेंज करना है। आप ऊपर यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और गया था तो उसका कलर चेंज हो गया, तो उसको हमने जैसा था वैसा कर दिया और आउटलाइन जो इसका था इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे सफ़ेद दिख नहीं रहा है, इसको जब आप नीचे लाएंगे तो दिखेगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से हम ग्रुप करेंगे और फिर हम यहाँ पे ला के रखेंगे। इसको शिफ्ट दबाएंगे और इस कोने से थोड़ा सा छोटा करेंगे जितना हमको चाहिए, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा 3D का लुक नज़र आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें दो लिखा गया है तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके नीचे जो हैप्पी बर्थडे लिखा है तो ये भी डाउनलोड किया हुआ है, इसको यहाँ पे ला के आप राइट क्लिक करिए और इसको भी छोटा कर लीजिए। दो को यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। ये इतना हो गया। बाकी ये जो नाम लिखा है, इस फॉन्ट का नाम एनीडोर है, आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे डालेंगे एनीडोर फॉन्ट तो आपको मिल जाएगा, मैंने किसी वीडियो में दिया भी होगा, हमको याद नहीं है, तो आप उसको वहाँ से लेके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसको भी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गुब्बारा यहाँ पर लगा हुआ है अभी मैंने जिसमें दिखाया, ये यही चीज़ गुब्बारा है। इस साइड का हिस्सा हमने काट दिया, सिर्फ यहीं का लिया है, तो इसको भी आप यहाँ से ला के यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो फोटो हमने लगाया है इसके लिए भी आपको एक गोला बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से डिजाइन करिए। ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे नीचे स्मार्ट फिल, इस पर क्लिक करके और इसमें फिल कर देंगे। अब इस वाले को डिलीट कर देंगे और इसमें आपको जो कलर देना है वो कलर दे सकते हैं, जैसा कि इसमें ये कलर हमने दिया है।
लाइट कलर, तो यहाँ पे लाइट कलर देंगे, इसका आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब इसमें आपको फ़ोटो डालना है, ये फ़ोटो है आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो पूरा बड़ा है लेकिन इसमें हमने डाला है जो कि गोले से बाहर भी निकला है। तो अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहें तो इसको इतना कटिंग करके इसमें डाल सकते हैं पावर क्लिप से, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने इसको इसमें इजी तरीके से डाला है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ पेज अप कर दीजिए इसको ताकि फ़ोटो ऊपर आ जाए। ये फ़ोटो हमारा ऊपर आ गया। सेव टूल लीजिए और नीचे का पूरा हिस्सा आप कट कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट टूल पे आइए और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ठीक इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसमें फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये केक वगैरह जो है ये सब आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी इमेज। मैंने पीएनजी इमेज के बारे में एक वीडियो बना दी है, आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ से आप पीएनजी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो पहले डाउनलोड करके रख लीजिए, फिर जिसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सेटिंग करिएगा। ये वाला फ़ोटो आप यहाँ पे ला के रख सकते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो है जो कि बैकग्राउंड में दिख रहा है, इसको भी मैंने कोरल ड्रा से ही बनाया है। फोटोशॉप में ये काफ़ी ईजी है, कोरल ड्रा में भी ईजी है। तो इसको आपको किस तरीके से बनाना है मैं वो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, राइट क्लिक करने से इसका डुप्लीकेट बन जाता है, इसको हम बड़ा करेंगे ठीक इस तरीके से, और इसको क्रॉप टूल से हम क्रॉप भी कर लेंगे जितना हमको चाहिए, ठीक। इस पे फिर आ जाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे आएंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे ऐड पे हमने क्लिक किया ये बैकग्राउंड में चला गया, अब ऊपर से खींच के नीचे की तरफ इतना छोड़ देंगे, बस ये हमारा बैकग्राउंड में चला गया। अब फिर इस वाले को क्लिक करके लाके यहाँ पे हम छोड़ देंगे और इसके नीचे ये जो गिफ्ट वगैरह हैं सबको सिलेक्ट करते हैं और लाके यहीं पे फिर कॉपी इस तरीके से। इसके पीछे जो वाइट शैडो है तो शैडो ही है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आएंगे शैडो टूल पे और इस पर आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है मीडियम ग्लो, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका कलर वाइट करेंगे, नॉर्मल को ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा इतना रेडी, बाकी सिर्फ अब नाम लिखा हुआ है, तो नाम का फॉन्ट मैंने आपको बता ही दिया, एनीडोर फॉन्ट है, इसको आप लिख सकते हैं और लिख के यहाँ पे रख सकते हैं। ये तो हमारा बैनर रेडी हो गया। मैं आपको इसका CDR भी दे दूंगा, आप डाउनलोड करके सिर्फ चाहे तो फ़ोटो और नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने सीख लिया कि किस तरीके से बैनर की डिजाइनिंग की जाती है। अब रही बात इसको एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए ताकि ये बिल्कुल सही साइज़ में और अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो। तो हमको जितना एक्सपोर्ट करना है उतने को पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जहाँ पे आपको फाइल एक्सपोर्ट करना है वो आप यहाँ से फोल्डर चूज कर लीजिएगा, मेरा डेस्कटॉप पे है, यहाँ पे इसका नाम रहेगा जो भी नाम आपको देना है, नीचे JPG रहेगा और यहाँ पे सिलेक्टेड ओनली पे टिक होना चाहिए, ये निशान सही का होना चाहिए क्योंकि जो सिलेक्ट हमने किया है सिर्फ हमको उतना ही चाहिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि मेरे पास ये पहले से एक्सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं यस क्लिक कर दूंगा, आपसे ये चीज़ नहीं मांगेगा। अब आपके सामने ये एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कलर मोड में CMYK कलर, अगर आपके सामने ये RGB हो तो आप इसको CMYK रखिएगा क्योंकि प्रिंट के लिए हमको CMYK ही चाहिए। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखिए जो बैनर होता है वो 72 DPI पे प्रिंट होता है, लेकिन अगर छोटे साइज का है तो उसको आप 150, 200, 300 पे भी कर सकते हैं, फाइल थोड़ी सी हैवी होगी, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 72 पे भी करेंगे तो प्रिंट सही से होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम आपको 100 पे करके दिखाते हैं, ये हमारा 100 DPI पे है। अब ये इंचेज ही रहेगा,
और यहाँ पे 3 बाई 2 है, तो 3 इंच का ये हो जाएगा। तो हमको 3 इंच में नहीं चाहिए बल्कि 3 फीट में चाहिए, तो 12 इंच का 1 फीट होता है। तो 12 से 3 में गुणा करेंगे, 12 24 36, तो इसको लिख देंगे हम 36। जैसे ही बस एक ऊपर वाले को या नीचे वाले को हम सही करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप देखेंगे ये 25 हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर का सिलेक्ट किया है यहाँ पे साइडों की वजह से, नहीं तो ये 24 ही होता। इतना चलता है, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा एक JPG फाइल बन के, और उस फाइल को आप मेल भेज के प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बैनर को बनाया जाता है, किस तरीके से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है।